क्यों कुछ सिचुएशन में हमारे रोंगटे यानी गूज बम्स आ जाते हैं, क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से ऐसी सिलवटें आ जाती हैं, आखिर हमारे उंगलियों के नाखूनों में ये सफेद दाग क्यों होते हैं, बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते हैं, क्यों फीमेल के मुकाबले अधिकतर मेल्स ही कलर ब्लाइंड होते हैं। इन सभी चीजों के जवाब इस वीडियो की तरह शॉकिंग है, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नंबर 5, दोस्तों आपने लोगों के नाखूनों पे ऐसे सफेद दाग देखे होंगे, कभी सोचा है कि ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होते हैं? दरअसल नाखूनों पे मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी के कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, कोई बीमारी या कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं, ताकि उसे हम तुरंत ठीक कर सकें। फैक्ट नंबर 4, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 1 कप के बराबर खून होता है, और बच्चे रोते समय अपने आंसू नहीं बहा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टीयर्स अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में ऐसे अजीब तरीके की सिलवटें बन जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके की एक यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिलवटें बहुत काम की होती हैं। जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिलवटें हमें चीज़ों को पकड़ने में मदद करते हैं। अगर ये सिलवटें नहीं बनेंगी तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि कई सिचुएशन में हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, यानी हमें गूजबम्स क्यों आ जाते हैं? जब कोई डरावनी मूवी देख रहा होता है, या किसी पार्टी में बहुत शोर हो रहा होता है, या आप बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ऐसी सभी सिचुएशन में आपके बॉडी में एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता है या घबराहट बढ़ती है, तब यह रिलीज होता है, और जब यह हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो आपके रोंगटे यानी गूजबम्स आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, ज़्यादातर मेल्स के मुकाबले फीमेल्स ज़्यादा कलर देख पाती हैं, जबकि मेल्स कुछ ही कलर देख पाते हैं, और मेल्स को एक ही कलर के अलग अलग शेड को पहचानने में भी दिक्कत होती है, और कलर ब्लाइंड होने के चांसेस भी मेल में ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक एवरेज फीमेल 1 मिनट में 18 से 20 बार अपनी पलकें झपकाती हैं, और वहीं मेल सिर्फ 11 से 12 बार अपनी पलकें झपकाता है। तो गाइज, अगर ये फैक्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।